हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल। बच्चों, आज हम फिश टेल का पार्ट टू करेंगे। अगर आपने पार्ट वन मिस कर दिया है तो बिल्कुल चिंता मत कीजिएगा, ऊपर जो आई बटन दिख रहा है ना, वहाँ पे क्लिक करना तो आप पार्ट वन में पहुँच जाओगे। लेकिन यहाँ आ ही गए हो तो पार्ट टू पहले कंप्लीट करके ही जाना। तो चलिए शुरुआत करते हैं। द फिश टेल, टेल यानी पूंछ। टू सी द डिफरेंस बिटवीन व्हेल्स एंड फिश, लुक केयरफुली एट देयर टेल्स। कैन यू सी that the fish tail stands flat along its body, but the tail of the whale almost looks like two legs. Can you spot the fish in the picture? यहाँ पे जो पिक्चर हमको दी गई है उसमें हमको फिश को स्पॉट करना है, फिश को ढूंढना है। तो फिश और व्हेल की जो पूंछ होती है, जो टेल होती है, उसके बारे में उसको यहाँ पे एक इंफॉर्मेशन दी गई है कि जो फिश होती है उसकी टेल उसकी बॉडी के अलोंग फ्लैट होती है। यानी कि अगर फिश सामने से आ रही है ऐसे, तो वहाँ पे उसकी टेल भी ऐसे ही होगी। अगर फिश जा रही है तो उसकी टेल यहाँ पे ऐसे काम करेगी और इस तरह से वो आगे बढ़ेगी। लेकिन व्हेल की बात करें तो व्हेल की पूंछ कुछ इस तरह होगी, वो ऊपर नीचे की तरफ होती है और वो व्हेल को आगे बढ़ाती है। इन शॉर्ट, जो फिश होती है उनकी जो टेल होती है वो लेफ्ट राइट मूवमेंट करती है, और जो व्हेल्स होती है उनकी जो टेल होती है वो अप डाउन मूवमेंट करती है। और इस तरह से टेल को देखकर हम बोल सकते हैं कि ये मछली है कि व्हेल है, यानी इट्स अ फिश और अ व्हेल। स्कूल्स ऑफ फिश। फिश लाइक टू स्विम टुगेदर इन द सी इन बिग ग्रुप्स कॉल्ड स्कूल्स ऑफ फिश। इन देयर स्कूल दे फील सेफ फ्रॉम बिगर फिश। डू यू फील सेफ इन योर स्कूल? जो मछलियाँ होती है, छोटी छोटी मछलियाँ एक ग्रुप में ट्रैवल करती हैं। जो बहुत सारी मछली एक साथ एक ग्रुप में जब होती है तब उसको स्कूल्स ऑफ फिश बोला जाता है। और उसका रीज़न क्या है कि अगर वो साथ में रहेगी तो वो अपने आप को सेफ महसूस करती है। जो बड़ी मछलियाँ होती है उनसे उनको डर लगता है, क्योंकि बड़ी मछलियाँ छोटी मछलियों को खा जाती है। लेकिन अगर जब वो ग्रुप में साथ में रहती है तो ऐसा फॉर्म करती है कि वो उनसे भी बड़ी मछली है, ऐसा फॉर्मेट में आ जाती है। जो बड़ी मछलियाँ हैं वो उन पर अटैक करने का कम सोचती है, तो उनको रिस्क कम लगता है। बच्चों, इसी तरह से जब हम अपने ग्रुप में रहते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ रहते हैं स्कूल्स के अंदर, तो भी आपको सेफ लगता ही होगा। टू स्केयर अवे द बिगर फिश, सम स्मॉल फिश ड्रिंक अप अ लॉट ऑफ वाटर, स्वेल अप एंड लुक बिग। यहाँ पे कुछ मछलियाँ ऐसा भी काम करती है कि अपने अंदर बहुत ही सारा पानी भर देती है, पी लेती है, बहुत सारा पानी पी लेती है, तो उनका शरीर है ना बड़ा फूल जाता है और बहुत बड़ी मछलियाँ बन जाती हैं। यहाँ पे भी हमको दिखाया गया है कि जो ये फिश है वो पानी बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अपने बॉडी के अंदर ले लेती है और उसकी जो साइज है ना वो बड़ी हो जाती है। तो मछलियों में क्या है, को छोटी मछली है वो हमेशा बड़ी मछली से डरती रहती है। इसका मतलब ऐसा ही है कि अगर मछली बड़ी है, साइज उसका बड़ा है, तो उसके साथ कोई पंगे नहीं लेगा। जिनसे यूज दिस शेप्स टू मेक ड्रॉइंग्स ऑफ फिश। नाउ यू ऑल्सो यूज सम शेप्स टू ड्रॉ द डिफरेंट सी एनिमल्स शोन बिलो। यहाँ पे जो जिनसी है उसने अलग अलग प्रकार की जो शेप्स है उनको लेके एक फिश बनाई है। तो यहाँ आपके पास अलग अलग शेप्स आपको दिए गए हैं, और यहाँ पे जो शेप्स आपको दिए गए हैं उनकी हेल्प लेके आपको ये सब सी एनिमल्स जो यहाँ पे नीचे दिए गए हैं उनको आपको बनाना है। शायद ही आपने कहीं देखे होंगे, जैसे अर्चिन, लॉबस्टर, ईल, रेड स्नैपर, ऑक्टोपस, प्रॉन, पैरट फिश, कटल फिश, स्क्विड, जेली फिश, सिल्वर पॉम्फेट एंड क्रैब। अगर आपने कभी सी डाइव आ गया है, समुद्र के अंदर अगर आपने वो चश्मा लगा के वो ऑक्सीजन का सिलेंडर होता है ना जो गोताखोर पहनते हैं, ऐसे ही यहाँ पे बड़े चश्मा लगाकर ऑक्सीजन का मास्क मुंह में डाल के अंदर गोताखोरी करते हैं, अगर आपने ऐसा कुछ चीज़ किया है तभी आपने ये सब एनिमल देखे होंगे। लेकिन अगर आपने गोताखोरी नहीं की, सी डाइविंग नहीं की, तो क्या, कोई बात नहीं, गूगल पे सर्च कर लेंगे, यूट्यूब पर सर्च कर लेंगे, हर एक एनिमल को आप उनका वीडियो आराम से देख सकते हैं। तो अपने हिसाब से वहाँ पे आप चेकआउट जरूर कीजिएगा। फिशरमैन्स इन दर बोट्स। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी? वेयर डिड यू सी इट? डिड यू सी इन अ मूवी और फॉर रियल? हाउ डीप यू थिंक द सी कुड बी? फाइंड आउट।
बहुत सारे क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं। हाउ मैनी ऑफ यू हैव सीन द सी, आप में से किन किन लोगों ने सी को देखा है। वेयर डिड यू सी इट, कहाँ पे देखा है, आपने मूवी में देखा है कि रियल में देखा है, और आप क्या सोचते हो जो सी होता है उसकी गहराई कितनी होगी, 500 मीटर, 1000 मीटर, 1000 किलोमीटर कितनी होगी, वो आपको इमेजिन करना है। डू यू नो हाउ टू स्विम, वुड यू बी स्केयर्ड ऑफ द हाइट सी वेव्स, क्या आपको तैरना आता है। फ्रेंकली स्पीकिंग मुझे तो नहीं आता, अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, नहीं आता तो सीख लेना, कभी भी ज़रूरत पड़ सकती है। क्या आपको जो समुद्र की जो लहरें होती है, वेव्स होती है, वो देख के डर लगता है। जब तक वो मेरी हाइट से कम है तब तक तो मुझे डर नहीं लगेगा, अगर वो मेरे हाइट से ऊपर आने लगी, जो वेव्स है जो ऊपर से उसकी हाइट जो बढ़ती रहेगी, तो मुझे डर ज़रूर लगेगा। क्लोज योर आइज एंड इमेजिन द सी विथ वेव्स राइजिंग हाई, हम अभी इमेजिन करेंगे कि हमारे सामने समुंदर है और समुंदर की मीठी मीठी आवाज़ हमको आ रही है, और लहरें हैं वो अभी राइज हो रही है और हमारी ओर आ रही है, लेकिन लहरें जो है वो थोड़ी छोटी है इसलिए मैं डर नहीं रहा हूँ। हाउ हाई डू यू थिंक द वेव्स कैन गो, आपको क्या लगता है ये जो वेव्स है वो कितनी हाई कितनी ऊंची जा सकती होगी। जब तक मुझे मालूम है नॉर्मली जो वेव्स है वो 45 से 50 मीटर्स अराउंड हाई जा सकती है, तो यहाँ पे आप 45 या 50 मीटर्स लिख सकते हैं। इमेजिन दैट देर आर फिशरमैन इन देयर बोट्स गोइंग अप एंड डाउन विद द वेव्स, दे स्टार्ट देयर ट्रिप व्हेन इट्स स्टिल डार्क, सम गो ऑन अ सिंपल बोट मेड फ्रॉम लॉग्स ऑफ वुड टाइड टुगेदर, इफ द सी इज रफ with very high tides, a strong wind, then the fishermen have a very difficult time. अभी fishermen की बात करेंगे। fishermen आपको पता ही है मछली पकड़ने वाला, जो समुंदर में अपनी boats लेके जाते हैं। सब लोग इतने पैसे वाले नहीं होते, आपने देखा ही होगा जब समुंदर किनारे जाते हो तब छोटी छोटी बोट्स आपको दिखाई देती है। छोटी छोटी बोट्स इतनी छोटी होती हैं कि जो एक ही आदमी, वन सिंगल पर्सन उसके अंदर बैठ सकता है, और वो छोटी छोटी बोट लेके समुंदर के अंदर काफ़ी गहराई तक वो जाते हैं। तो ये जो वेव्स आती है उनसे उनकी जो मुसीबतें हैं थोड़ी बढ़ जाती है, और कभी कभार तो हाई टाइड होती है, ज़्यादा हवा आती है, तब उनको ज़्यादा ही मुश्किलियों का सामना करना पड़ता है। These log boats do not go very far. If the wind is helpful, they travel about 4 km in 1 hour. तो ये log boat है जो लकड़ी से दो तीन लकड़ियों को बांध के ऐसे ही boat बना दी गई है, तो उसको log boat बोलेंगे। और अगर जो हवा का रुख है, हवा के साथ साथ ही वो अगर उसको चला जाए, तो वो जो boat है वो 4 km in 1 hour, यानी कि एक घंटे के अंदर लगभग अराउंड 4 किलोमीटर्स का सफ़र वो तय कर सकती है। हाउ लॉन्ग विल दे टेक टू गो अ डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर्स, अभी यहाँ पे क्वेश्चन आ गया है कि अगर आपको अराउंड 10 किलोमीटर्स जाना है तो कितना समय आपको लगेगा। तो हम देख सकते हैं कि हम उनकी एवरेज स्पीड क्या है कि 4 किलोमीटर्स के अराउंड जाने के लिए उनको एक घंटा लगेगा, तो हमको कितना किलोमीटर्स चलना है, 10 किलोमीटर्स, तो ये 4 किलोमीटर्स चलने के लिए एक घंटा लगता है, और 4 किलोमीटर्स अगर हम डाल देते हैं तो हमारे पास 2 घंटे हो जाएंगे, 4 और 4 8 किलोमीटर्स तो हमारे हो गए, अभी कितने किलोमीटर्स बचे, 2, तो 4 किलोमीटर्स के लिए 1 आवर लगता है, तो बाकी के 2 किलोमीटर्स के लिए हाफ आवर लगेगा, हाफ आवर, ओके, यानी कि अराउंड 30 मिनट, हाफ आवर यानी 30 मिनट्स, ठीक है। तो हमको 10 किलोमीटर ट्रैवल करने के लिए 1 और 1 यानी कि 2 आवर्स, और हमने जो लास्ट में काउंट किया था हाफ आवर, यानी कि 2.5 आवर्स लगेंगे। गेस हाउ फार यू कैन गो इन 1 आवर इफ़ यू वॉक फास्ट, अभी आपको सोचना है कि अगर आप तेज़ी से चलते हो, दौड़ना नहीं है, चलना है, ठीक है, अगर आप जल्दी जल्दी चलोगे तो एक घंटे में कितना डिस्टेंस कवर कर सकते हो,
वो आपको इमेजिन करना है। फिशरमैन कैन फील द विंड एंड लुक एट द सन टू फाइंड आउट विच वे टू गो। मैनी ऑफ अस वुड गेट लॉस्ट एंड नॉट बी एबल टू फाइंड अवर वे ऑन द सी वेर यू ओनली सी वाटर वाटर एंड नथिंग एल्स। जो फिशरमैन होते हैं ना, उनको फील आ जाता है कि उनका घर किस तरफ है। अगर समुद्र के अंदर काफ़ी अंदर जाते हो तो चारों ओर हमको सिर्फ एक ही चीज़ दिखाई देगी और वो है समुंदर। हाँ, अगर ऊपर देखोगे तो आकाश आपको दिखेगा, स्काई इज अबव एंड अराउंड यू इज ओनली ब्लू वाटर। तो आपको कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में जाना है वो कभी पता नहीं चलेगा, लेकिन जो फिशरमैन होते हैं ना, उनको फील होता है अपने घर की तरफ जाना और फील होता है। हमारे जैसे कोई भी चले जाए तो आराम से लॉस्ट हो जाएंगे, लेकिन फिशरमैन लॉस्ट नहीं होते। फाइंड आउट, लुक एट द सन एंड फाइंड आउट द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर इट राइजेस। आपको सुबह में सन को देखना है और किस डायरेक्शन में सन राइज होता है वो आपको चेक करना है। फ्रॉम वेयर यू आर वॉट इंटरेस्टिंग थिंग्स डू यू सी टू योर ईस्ट। अब आप जहाँ पे खड़े हो वहाँ से आपको उस डायरेक्शन में, यानी कि ईस्ट डायरेक्शन में आपको क्या दिख रहा है वो आपको नोटिस करना है, याद करना है। नेम टू थिंग्स दैट आर लाइंग टू योर वेस्ट। अभी तो आप सन की ओर देख रहे थे, मॉर्निंग का समय यानी कि आप ईस्ट की तरफ देख रहे हो, तो उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट यानी कि आपके पीछे क्या आएगा, वेस्ट। और तुरंत घूमेंगे और आपके पीछे जो भी कोई चीज़ आपको दिखाई दे उसमें से कुछ ही दो चीज़ का नाम आपको लिखना है। बच्चों आज के वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो को काफ़ी लंबा और बोरिंग बिल्कुल नहीं बनाएंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप चाहें कि मैं आपके लिए ऐसे वीडियो बनाता रहूं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।